बच्चों के लिए बनाए हैं मैंने फ्रूट कस्टर्ड विथ अमूल क्रीम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। संडे का दिन है। स्टार्टिंग में बता देती हूँ, मेरे पहले के बहुत व्लॉग्स हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं व्लॉग्स, कभी मैं पहले वाला डाल देती हूँ फिर बाद वाला, अनलिस्टेड कट के मैं सेव कर देती हूँ और अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं उन्हें पब्लिक करती हूँ। तो बस खाना पीना हो गया है, कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, क्लीनिंग वगैरह जो मैं कितना जो करना चाहती थी वो सब कर दिया। आज बने थे छोले भटूरे, शिमला मिर्च आलू सैलेड एंड का भात कापा भी बना था। मेरे हस्बैंड मंडी गए तो कापा भी ले, वो पालक ले आए थे, पहाड़ी पालक की कापा बना। तो बहुत सारा खाना हो गया था लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, उनको कस्टर्ड खाना था। मैंने आपको बताया था मैं कस्टर्ड बना दिया है, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। इस फिलहाल तो सिंपल सा मैं फ्रूट कस्टर्ड ही बना रही हूँ। तो मैंने फ्रूट्स कट कर दिए, मैंने कहा क्या मतलब कटिंग करना आपको दिखाऊं, तो आपको बस मैं ऐसे दिखा देती हूं, मैं फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। के लिए मैंने अनार को छील दिया है, इधर मैंने अच्छे से अंगूर को धोकर के 2 पीस कर दिए हैं, सेब भी मैंने काट दिया है, ये केला है, ये कस्टर्ड है और बच्चों के लिए बच्चों की फेवरेट टूटी फ्रूटी और ये बच्चों की रेनबो बॉल्स। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर है हिमाद्री की सौंफ, काजू, किशमिश, जो डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने सौंफ इसमें रख दी थी और किशमिश जितना रिच आप बना सकते हैं बनाइए। चॉकलेट बॉल्स भी आप यूज़ करते हैं, चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी बच्चों का फेवरेट हो। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। 2 ग्लास ले लिया है, अभी फिलहाल 2 बच्चे हैं और के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, पहले इनका ही पेट भर जाए वही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने 1 ग्लास ले लिए हैं, तो चलिए फिर बनाती हूँ कस्टर्ड। थोड़ा सा सबसे नीचे मैं डाल देती हूँ थोड़ी सौंफ, थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अब थोड़ा थोड़ा मैंने कस्टर्ड डाली, थोड़ा मैंने थिक सा कस्टर्ड बनाया है। अब डालती हूँ ग्रेप्स, थोड़ा बच्चे कलरफुल सा पसंद करते हैं, थोड़े से डाल देती हूँ बनाना। थोड़े से पोमेग्रेनेट सीड्स, फिर से कस्टर्ड ऐड कर रही, थोड़ा सा मुझसे थिक ज्यादा हो गया कस्टर्ड, थोड़ा सा लूज भी रखें तो अच्छा ही है। ये मैंने डाल दिया कस्टर्ड, अब थोड़े डालती हूँ इसमें एप्पल्स, फिर से थोड़ी सी सौंफ, दो तीन काजू, फिर से थोड़े से पॉमीग्रेनेट सीड्स, थोड़ी सी मैंने ये देखिए अमूल क्रीम ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा आइसिंग शुगर डाली है, थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है और ऊपर से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा रिच लुक आता है, बच्चे पसंद भी करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम इसमें फिर से थोड़े से ग्रेप्स, थोड़े से प्रोमीग्रेनेट और लास्ट में थोड़ी सी रेनबो बॉल्स जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये तैयार हो गया हमारा डिलीशियस सा फ्रूट कस्टर्ड। ये देखिए बच्चों का फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो गया है, लुक वाइज कैसा लग रहा है बताइएगा। अब बच्चों को खिलाती हूँ फिर देखती हूँ इन्हें कैसा लगता है। ये मोको कैसा लगा? अच्छा।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से बोर्ड के पेपर स्टार्ट हैं और थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ मैं इस वीडियो को अपने कल की वीडियो के साथ। मैंने एंडिंग नहीं करी थी, बस 4 बज गए हैं और मुझे ढंग से नींद नहीं आई कि यार बोर्ड ड्यूटी है, टाइमिंग्स मतलब परफेक्ट कैसे रहे, मैं टाइम पे पहुँचूँ, घर का काम भी कर जाऊँ, तो लगभग टूटी भी नहीं डाइवे, 3:30 बजे से जग गई हूँ। बस मैंने दूर रूम की डस्टिंग वगैरह सफाई, झाड़ू पे सब कर दिया, बाहर झाड़ू कुछ लगा दिया, दो बच्चे और मेरे हस्बैंड जिसमें सो रहे हैं उसमें मैंने नहीं करा है, गर्म पानी पी लिया है, बस चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी पीऊँगी, थोड़ी कॉलेज पर जाऊँगी, आज व्रत है मेरा, अंगूर धो करके बॉक्स में रख देती हूँ, तो अपने खाने का इंतजाम कुछ करके जाना है, अभी 5 बजे के बाद ही आऊँगी, मेरा थोड़ी सी बात करती हूँ। और बेस्ट ऑफ लक हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे से बच्चों के पेपर करना, अपने भाग्य पे विश्वास करना चाहिए लेकिन कम करना चाहिए, लेकिन अपने कठिन परीक्षाओं पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, आप अपने बल पे बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा सा पेपर दीजिएगा, कूल माइंड होके दीजिएगा, लाइट स्नैक्स मतलब लाइट से खाना नहीं खाइएगा जिससे नींद वगैरह ना आए, और कूल माइंड होके अच्छे से पहले प्रश्न पत्र को पढ़िएगा, 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा, और उसके बाद अच्छे से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले उन्हें सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कभी माइंड शार्प हो जाता है और जो हमें नहीं आते हम उनको भी अच्छे से कर देते हैं। तो ऑल द बेस्ट माई ऑर्किड्स। तो इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय।